एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। गैस आज हम बात करने वाले वाई पे ऐप के बारे में, एक ऐसी बैंकिंग एप्लीकेशन जहां पे आप लोग बिना आधार कार्ड बिना पैन कार्ड के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके घर में 18 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उसको भी ये आप अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं, वो भी इस अकाउंट का यूज कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई पे ऐप के बारे में कि वाई पे ऐप क्या है, वाई पे ऐप में कैसे अकाउंट ओपन करना है, वाई पे ऐप कैसे ट्रांजेक्शन करना है, वाई पे ऐप में आपको क्या क्या फीचर फंक्शन मिलते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको वाई पे ऐप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप सही वीडियो में आए हैं, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिएगा। हम आपको वाई पे ऐप के बारे में फुल डिटेल से फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपको वाई पे ऐप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप कट मत करिएगा। पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। हे गाइस, आई एम किशन जाम, यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाई पे ऐप क्या है। गाइस देखो, वाई पे ऐप जो है एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, न्यू बैंकिंग है, ये यस बैंक से कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि यस बैंक के साथ चलता है, ठीक है। वाई पे ऐप न्यू बैंकिंग एप्लीकेशन है और ये जो है यस बैंक के साथ जो अपना कारोबार करता है, तो न्यू बैंक है। यहाँ आप जो है बिना आधार कार्ड बिना पैन कार्ड के भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। आप चाहे तो आधार कार्ड पैन कार्ड लगाएंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट और आपको बेटर फीचर फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको बेस्ट और बेटर फीचर फंक्शन के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना होगा। अगर नहीं चाहते लगाना तो बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वाई पे ऐप में आपको जो है फिजिकल डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिसका आप एटीएम में भी यूज कर सकते हैं, एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि बैंक का और फीचर फंक्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। आप यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे लोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन कहीं भी एक्सपेंस भी कर सकते हैं, आई मीन खर्च कर सकते हैं, रिचार्ज बिल पेमेंट्स में, शॉपिंग में, कहीं भी कार्ड से, या फिर यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन देता है, आप यहाँ पे यूपीआई भी अपना बना सकते हैं। यानी कि वाई पे ऐप आपको पूरी जो है बैंक का फैसिलिटी देता है। आप यहाँ पे ये वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देता है, उससे आप अपना यूपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। वाई पे में आपको खुद का एक न्यू यूपीआई भी हो जाएगा, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, डेबिट का कहीं भी आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या पेटीएम से पैसे निकालने में। और आप चाहे तो अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो बच्चा का भी अकाउंट यहां ओपन कर लेंगे क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड यहां पर नहीं लगता है। तो फुल डिटेल से बात करने वाले हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। वाई पे ऐप में ज्वाइन होने के लिए, वाई पे ऐप में अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वाई पे ऐप का ज्वाइनिंग लिंक दे दिया गया है। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक करिए, वो ट्रैक लेके जाएगा प्ले स्टोर पे, कर लीजिएगा वाई पे ऐप को इंस्टॉल, देन करिएगा ओपन। ओपन करता आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा, हिंदी और इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने केस में इंग्लिश सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, देन प्रोसेस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहां पे ओटीपी फिल करेंगे, देन सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ओटीपी डाल के यहां पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, वीडियो का डिस्प्ले, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको रेफरल कोड मिल जाएगा, रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको यहां पे जो है ज्वाइनिंग बोनस दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ज्वाइन करते आपके अकाउंट में कुछ पैसे बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। तो यहां पे रेफरल कोड डालना, देन नीचे में दिए गए सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर आता जा रहा है कि सेट 4-digit MPIN, यहाँ पे आपको MPIN सेट करना है, ठीक है। इस MPIN से आपका लॉगिन भी होगा और ट्रांजेक्शन भी होगा। यह MPIN आपसे बार बार मांगा जाएगा, ये आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4-digit का MPIN आप रख देना, ठीक है। वही पिन रखना जो आपको याद रहे, ठीक है, हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है, क्योंकि चेंज करते टाइम भी आपसे MPIN मांगा जाएगा अगर अपना MPIN आप चेंज करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे 4-digit का MPIN रखना, देन प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आता है कि आप KYC करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप पैन कार्ड आधार कार्ड देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो ऊपर में यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन दिया गया है, इस स्किप वाले सेक्शन पे क्लिक करना, क्लिक करके आप विदाउट आधार और विदाउट पैन कार्ड का आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देना चाहते तो ऊपर में दिए गए यहाँ पे स्किप वाले सेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे बिना आधार कार्ड पैन कार्ड दिए हुए ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दो। KYC कर लोगे तो आपको काफी सारे फीचर फंक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे केवाईसी करना है तो आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड चूज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करता हूँ, आधार कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे में आपसे यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, उसको यहाँ पे क्या करेंगे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसको ये लेके जाएगा डिजी लॉकर के साइट पे, यानी गवर्नमेंट के साइट पे, बिल्कुल यहाँ पे लीगल है, डिजी लॉकर के साइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिर से डालना है। नीचे में आप देखिए लाल कलर में कैप्चा आपको देखने को मिल जाएगा, जो जो लिखा हुआ है वो सही सही देख के यहाँ पे सामने वाले बॉक्स में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, देन क्या करेंगे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हो आपको सर्विस तरीके इंटरफेस मांगा आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 डिजिट का जो है सिक्योरिटी पिन मांगा जाता है, जो कि आपके आधार से ही अटैच रहता है। अगर आपको नहीं पता है अपना आधार का सिक्योरिटी पिन जो 6 डिजिट का होता है, तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में जो है फॉरगेट सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना जो है सिक्योरिटी पिन को फॉरगेट कर लो, नया पिन आप बना लो। नया पिन बना लोगे उसको यहाँ पे डाल देना 6 डिजिट का पिन, ठीक है। 6 डिजिट का पिन, नया पिन बना लेना, काफी ईजी है। डिजी लॉकर के साइड पर ही आपसे आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर ओटीपी मांगा जाएगा, वो डालोगे और जो है यहाँ पे आप जो है अपना पिन क्रिएट कर लो। उसका क्या करेंगे, पिन डाल के कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने आपको सारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका जो आधार में नाम है वो नाम देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको अलाउ है, अलाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने पर ये लोडिंग लगा, लोडिंग लगा आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका ब्लैंक रहेगा, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना, नहीं मर्जी हो तो नहीं डालना, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप में आप आधार दिया आधार, उसका आप एड्रेस रहेगा, दंग कर नीचे वेरीफाई रहेगा, वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप जिस मोबाइल नंबर से वाई पी अकाउंट अपना अकाउंट बना रहे हो उस मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने को यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, आई मीन यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपका अकाउंट हो जाता है क्रिएट, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हम लेकर जाते हैं आपको एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे ले जाने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपको इसमें कैसे यूज करना है, इसके सारे फीचर्स फंक्शन आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है ना, आपके सामने इस तरीके का न्यू लुक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपसे यहाँ पे हो सकता है कि एम पिन मांगा जाए लॉगिन के टाइम में, या फिर आप फिंगर पे प्रिंट या फिर जो है आप फेस लॉक जो रिसेट करोगे वो आपसे मांगा जाए, तो लॉक वॉक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लॉक तो हटा लेना। उस पर यहाँ पे ऊपर में देखोगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है कंपनी का, यहाँ पे बॉक्स दिख जाता है, यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस दिख जाता है, ठीक है। उसके नीचे मांगा यहाँ पे स्टोरी है, इस पर क्लिक करोगे कंपनी का स्टोरी दिखेगा। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, पहले बाय करना होगा फिर सेल करना होगा, ठीक है। उसका सेविंग है, सेविंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कंपनी से अटैच है वाई पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बजाज में, बजाज में अपना क्या करते हैं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात की बात है, स्टोरी पे क्लिक करोगे तो कंपनी यहाँ पे कुछ स्टोरीज है, ठीक है। स्टोरीज में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, एक तरीके से नोटिफिकेशन मिलता है, क्लिक किया देखो यहाँ पे स्टोरी में क्या क्या है, ठीक है। उस पर यहाँ पे आओगे तो सेविंग में, सेविंग में क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको अपना सेविंग कर सकते हो, जैसे मैंने बता दिया बजाज से कनेक्ट है। गेम वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो कमिंग सून में है, ठीक है। उसका नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है, यानी कि सेंड मनी, ऐड मनी और चेक बैलेंस, ठीक है। उसके नीचे हम देखेगा आपको यहाँ पे ऑर्डर, यानी कि अपना जो यहाँ पे फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर लोगे, आपका केवाईसी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सामने में दिए हुए यहाँ पे ब्लैक कलर के ऑर्डर नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ देखो ऑर्डर नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना क्या कर सकते हो, फिजिकल कार्ड का ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अभी जो टाइम में जो है 249 रुपये आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। 249 रुपया देकर क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना फिजिकल कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हो। फिजिकल कार्ड ऑर्डर आ जाने से आपका प्रॉफिट ये रहेगा कि आप जो है कार्ड से क्या एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपके पास फिजिकल कार्ड रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी काफी आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑर्डर नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालो, ठीक है, लैंडमार्क डालो, यानी स्ट्रीट सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपका स्टेट रहेगा, सिटी भी रहेगा, पिन कोड भी रहेगा। प्रोसेस वाले सेक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे कर दो। पे करने के बाद ऑर्डर कर लो अपना कार्ड। कार्ड ऑर्डर करना काफी इजी है, इजी तरीके से कार्ड यहाँ पे आप ऑर्डर कर लो। कि अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्ड ऑर्डर भी करवा करके दिखा दूंगा और मैं आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। नीचे आओगे तो नीचे आप रिचार्ज बिल पेमेंट्स है, आप यहाँ पर रिचार्ज बिल पेमेंट्स कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे है। तो आप रिचार्ज बिल पेमेंट्स कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, ब्रॉडबैंड रिचार्ज, जो चाहे रिचार्ज कर सकते हो। नीचे मांगो तो यहाँ पे ब्रांड डील है, यहाँ पे कंपनी कुछ ब्रांड आपको देती है जहाँ पे आप जो उनके फीचर फंक्शंस को यूज कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, सेविंग रहेगा, ठीक है, डिपॉजिट रहेगा, काफी सारे आते रहते हैं यहाँ पे, तो उसका आप यूज कर सकते हो।
नीचे आप यहाँ पे गेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको गेट प्रो विथ वाई पे, यहाँ पे आपको कुछ ऑफर दिए जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 1% कैशबैक मिलेगा आपको मनी लोड करने पे, ठीक है। यानी कि मतलब एड मनी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है, सेंड मनी हो गया, ठीक है, एड मनी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे मान लो कि यहाँ पे 500 रुपये हम ऐड करते हैं, 500 रुपये ऐड करते हैं तो यहाँ पे मुझे 1% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है, मनी ऐड करने पे, UPI से मनी ऐड करते हैं तो 1% का मुझे कैशबैक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मनी ऐड करने पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं कि हमारा लिमिट जो है 10,000 का, यहाँ पे वर्चुअल कार्ड जो लेंगे तो 5 लाख तक का लिमिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपका लिमिट बढ़ेगा उसके लिए आपको वर्चुअल कार्ड आपको लेना होगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिल जाता है रिवॉर्ड्स, ठीक है, रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, ऐसे डिपॉजिट पे रिवॉर्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उस पर रिवॉर्ड्स, वर्चुअल कार्ड आपको लोगे उस पर रिवॉर्ड्स, मतलब कई तरीके से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, जो भी रिवॉर्ड्स ऑफर हैं आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे होगा तो यहाँ पे आपको स्टोर देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टोर इस पर क्लिक करते, क्लिक करने के बाद कमिंग सून में आप ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे नीचे काम यहाँ पे शॉपिंग है, शॉपिंग पे क्लिक करते अभी कमिंग सून में, दोनों कमिंग सून में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बीच में आपको प्लस का आइकन, ठीक है, ये फंक्शन भी बताया था, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आपको क्या मिल जाता है, 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, मैं बारी के सबको क्लिक करके दिखाता हूँ, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वाले सेक्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मनी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्लिक करोगे तो मनी को आप किसी को सेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे देख सकते हो कि 2+ पर क्लिक करोगे तो आपने किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा जितने भी यूज करते हैं उनको आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। 2 बैंक वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ऐड न्यू बैंक वाले सेक्शन पे क्लिक करो, अपना बैंक अकाउंट ऐड करो जिसको पैसा भेजना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि अपने भाई को पैसा भेजना चाहते हो तो अपना भाई का नाम, भाई का अकाउंट नंबर, भाई का फिर ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालो, या प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करो, अपना भाई के जो पेमेंट यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यानी कि चेक वाई पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपके वाई पे में कितने बैलेंस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे मेरा बैलेंस 0 है, 0 है, नीचे में ऐड मनी है, ऐड मनी पे क्लिक करके अपना बैलेंस जो है बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम सारे फीचर फंक्शंस को एक एक यूज करके बताए तो आप मुझे कमेंट कर, इस वीडियो में अगर आप बताने लगू पेमेंट ऐड करके यानी बैलेंस ऐड करके बैलेंस सेंड करके तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, ये बना देंगे वीडियो, ठीक है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड, ठीक है, कार्ड वाले सिस्टम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका कार्ड दिख जाएगा, आपका वर्चुअल कार्ड दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आंख का चिन्ह, यहाँ देखो आंख का चिन्ह है, इस पर क्लिक करते हो तो आप अपना वर्चुअल कार्ड का डिटेल आप देख सकते हो, ठीक है, आप देखो आंख का चिन्ह है, इस पर क्लिक करोगे देखो मैं वर्चुअल कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्चुअल कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा, ऊपर में आपका सेंड मनी और ऐड मनी लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल कार्ड का देख सकते हो, ठीक है, आपका यहाँ पे जो है कार्ड नंबर दिख जाएगा, CVC नंबर दिख जाएगा, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन आ जाता है यानी कि एक्टिव कार्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, और यहाँ पे देखेंगे यानी गेट सम क्वेश्चन अबाउट वाई पे, ठीक है, नीचे मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन आपके तो मिल जाएगा, यहाँ पे वाई मेरा कार्ड का डिटेल देखने को मिल गया, इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। अपना कार्ड एक्टिव करने के लिए यहाँ पे जो है एक्टिव कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करो, ठीक है, जैसे एक्टिव कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये कार्ड आपका तब एक्टिव होगा जब आपने वर्चुअल कार्ड अपने घर पे मंगा लिया, जब कार्ड मंगा लोगे तो कार्ड के पीछे में आपका जो यहाँ पे रहेगा क्या किट नंबर रहेगा, क्या रहेगा किट नंबर रहेगा कहाँ पे, तो कार्ड के पीछे में किट नंबर आपका रहेगा, ठीक है। आपको किट नंबर डालना है, यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन कर दोगे, QR कोड स्कैन कर दोगे, कार्ड का पीछे में QR कोड रहता है आपको वर्चुअल कार्ड पे डेबिट कार्ड पे, उसे स्कैन कर दोगे तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो कार्ड मंगाने के बाद ही आपका कार्ड एक्टिव हो पाएगा, ठीक है। नीचे में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करोगे तो आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, बिना कार्ड का भी यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, रिचार्ज बिल पेमेंट्स कर लो, मनी ऐड कर लो, मनी सेंड कर लो, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका मिल जाएगा ऊपर में आपका प्रोफाइल, ऊपर में 3 उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है क्या आपका पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे जो है फेस आईडी या टच मतलब यहाँ पे अपना लॉक वॉक कर सकते हो, कार्ड सेटिंग है, कार्ड सेटिंग में जाओगे तो अपने कार्ड को यहाँ पे आप सेटिंग करते हो, कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, पहले ही वैसे किससे करते हो यानी कि वाई पे ऐप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आदेश तो काफी सारी चीजें हैं जिनको अलाउ दे सकते हो या फिर अलाउ हटा सकते हो, ठीक है, परमिशन दोगे परमिशन हटा लोगे। नीचे में यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉग है, कंपनी का ब्लॉग पे जाकर आप सपोर्ट ले सकते हो, कंपनी को डायरेक्ट हेल्प सपोर्ट के लिए क्लिक करो, यहाँ पे कंपनी से व्हाट्सएप डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है, लॉगआउट है यहाँ पे, ठीक है, यानी सपोर्ट पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है कंपनी से किसी भी मैटर पे यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है।
कंप्लीट कर दैट। व्हाट्सएप का भी नंबर है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आपको दे देंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमने बता दिया जो आपको जरूरी था, यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कंपनी का क्या 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 आपको कंपनी प्रोवाइड किया, कंपनी क्या क्या ऑल यूजर्स के लिए नोटिफिकेशन दिया ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, किसी भी तरीके का कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कवर कर देंगे ठीक है। आज की वीडियो में मेरा मेन मेथड था कि कैसे आपको वाईपीए में आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे उसके सारे फीचर्स फंक्शंस को यूज़ करना वो मुझे बताना था। मुझे एक तरीके से मैंने इस वीडियो में वाईपीए ऐप का रिव्यू किया है ठीक है। मैं आई होप मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है। किसी भी तरीके से कोई आपको डाउट है पूछना है तो आप मुझे कमेंट करना है। अगर आप होशियार हो जो कि आप ऑलरेडी टैलेंटेड हो तो आप इसे काफ़ी ईजी तरीके से यूज़ कर पाओगे तो काफ़ी बेहतर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।